हेलो प्यारी पेरेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। पाक आप सबको बहुत खुश है कि हर तरह के मेरे परेशानियों से बचाए आमीन सुमामीन। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने सोक रेजिन्स खाए थे और उसके बाद ना यहाँ पे टाइम हो गया था ब्रेकफास्ट करने का। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे लगा ली थी मशीन आज, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत ना ब्लैंकेट्स वॉश करने थे, क्योंकि अभी ठंड जा रही है। तो हम लोग मोटे वाले ब्लैंकेट्स अभी फोल्ड करके रख देंगे, फिर अब नेक्स्ट विंटर इसे निकालेंगे। इसलिए मैंने ना यहाँ पे ये वाले हल्के वाले ब्लैंकेट्स वॉश कर लिए। मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ अपने रिव्यू की। ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने निकाल के रखे थे ताकि मैं एक बड़ा सा ह्यूज सा हॉल बनाया। किसी एक इंसान, किसी एक शख्स को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो शख्स कौन। शख्स जिसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं रिव्यू वीडियो बनाऊँ, कहीं ज़्यादा उस पर व्यूज़ ना आ जाए। तो ये देखें, इतनी देर से ये पूरे ट्राइपॉड में लटक जा रही है, मेरा कैमरा गिरा दे रही है, कहीं मेरे प्रोडक्ट्स में घुसी जा रही है। यही इसके पास काम बचा है। तो लटक रहे थे, लटक के दिखाओ, पोल डांस कर रही थी। जंगली जानवर, ये देखो जंगली जानवर आ रहा। गिर गई थी और की आई तो फिर नहीं खेल लेती। बहुत परेशान करा है पूरे टाइम में तुमने। हमने कितनी बार कहा है जुबी नहीं, जुबी नहीं, मान जाओ जुबी, जुबी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन नहीं आया जुबी को समझ में। खाली एक बार समझ में आती वाइपर की। हाँ, अभी वाइपर नहीं निकली है। अभी वाइपर ला के रख देंगे तो खरी आने लगोगी, डर के बैठ जाओगी एक जगह। लेकिन ज्यादा डराएंगे नहीं, नहीं तो स्ट्रेस में चली गई। तो अभी ना काम चल ही रहा है मेरा क्लीनिंग का। और यहाँ पे मैं ना मैंने यहाँ पे हार्पिक डाल दिया है कि काफ़ी ज़्यादा फटाफट से खाना भी रेडी करना है। मैंने भी सिर्फ मॉपिंग की है और फटाफट से मैं जा रही हूँ सब कुछ अच्छे से क्लीन कर। खाने भी बना दिया है, ये आलू बैंगन की सब्ज़ी, रोटी भी रेडी कर दिया है। तो मैंने वही सोचा कि इसको फिनिश कर लेते और टाइम देखे तकरीबन 1 बजे का हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया और आज इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मतलब पता नहीं चलता कब मौसम बिल्कुल चेंज हो जाए, बिल्कुल पता ही नहीं चलता यहाँ पर क्योंकि कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और सारे कपड़े ना क्या करेंगे बंदा। हाँ मतलब 40 में बहुत ज़्यादा हवा। तो ना यहाँ पे मैंने ये कॉर्न बॉईल कर लिए हैं और इससे ना मैं बनाने वाली हूँ कुछ स्पेशल सा। तो फटाफट से ना मैंने यहाँ पे बाउल भी निकाल लिया है और मैं अभी कैमरा को स्टार्ट। मैं बनाने लगी थी बहुत ही मज़े का सैलड, जिसको अगर आप एक बाउल खा लेंगे ना तो आपको और कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने काफ़ी टाइम पहले ये सैलड की रेसिपी देखी थी और मेरा इतना मन था इसको क्रिएट करने का, जिसके लिए मैं खास करके दही लेकर के आई थी। और मैं यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ और आप भी अपनी मर्ज़ी के वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अनियंस लिए, तो फटाफट से अनियन को पील ऑफ कर लेंगे। और मैंने बस एक ही अनियन ली थी क्योंकि कोई भरोसा नहीं था कि बाकी कौन खाएगा ये सैलेड, कौन नहीं खाएगा। और मैं तो आजकल के सैलेड के दीवानी हो गई हूँ, मेरा बड़ा मन करता है कभी कोई सा सैलेड खाने का, कभी कोई सा सैलेड खाने का। तो मेरा काफ़ी टाइम से ये सैलेड भी खाने का मन था और मेरा चिकपी सैलेड भी खाने का बहुत मन है, साथ में मेरा चिकन सैलेड खाने का बहुत ज़्यादा मन है। तो अभी धीरे धीरे करके मैं ट्राई करूँगी और बनाऊँगी, तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी, शेयर करूँगी आपसे। फिलहाल के लिए ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी है, आज तक की मेरी सबसे ज़्यादा हेल्दी रेसिपी होने वाली है ये। और अगर आपने ना इसको क्रिएट किया है और मेरी वीडियो से देख करके और आपको अच्छी लगी तो मुझे कॉमेंट में आके ज़रूर बताइएगा, इसका आप रिव्यू जरूर दीजिएगा टेस्ट में। और ना मैंने यहाँ पे कैबेज यूज़ करने का भी सोचा था, वैसे तो उसमें कैबेज थी नहीं, वैसे जो रेसिपी मैंने देखी थी उसमें कुकुम्बर था और मेरा कुकुम्बर डालने का तो बड़ा मन था। लेकिन ना अभी कुकुम्बर अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल है वो ना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है मुझे टेस्ट में। तो यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको चॉप कर लिया था, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है ताकि ये टेस्ट में ना थोड़ा ज़्यादा अगर ठीक ठीक होगा तो अच्छा नहीं लगेगा।
तो इसको मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप किया और ये मेरी फेवरेट कैबेज है, मतलब मैं इसको सैलड के लिए ही लाई थी और फाइनली टाइम आ गया इसको यूज़ करने का। तो मैं अभी ये इस सैलड इसको भी सैलड में ऐड करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे मोमोज बनाऊँ तो भी आप मुझे ज़रूर कॉमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इससे मोमोज ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि मुझे देखना है कि अगर मैं इसको मोमोज में यूज़ करूँगी तो कैसा कलर आएगा। वेल, उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल्स ली थी, मतलब क्योंकि ज़्यादा मुझे नहीं बनाना था, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा बन गया था, पूरा एक बाउल भर के बन गया था। तो मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता से कट कर रही हूँ और देखिए कितना बारीक मैं कट कर रही हूँ। अगर आपके इससे भी ज़्यादा बारीक कट कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे बीट रूट ले लिया था। मोस्टली मेरे पास ज़्यादातर कलरफुल वेजिटेबल्स ही थी, देखिए ग्रीन है और पर्पल है, साथ में रेड है, तो ये कितनी ज़्यादा सुंदर सुंदर कलर्स दिख रहे थे वेजिटेबल्स में। वेजिटेबल्स जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही हैं, फटाफट से इन्हें बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कैबेज ट्रांसफ़र करूँगी बाउल में। मैंने इन सारी वेजिटेबल्स को ना वॉश कर दिया और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी ये हमारी अनियन, उसके बाद जाएगा हमारा ये बीट रूट। एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और ऐसे सैलड मैं बना रही हूँ जो ना आप अगर लंच या डिनर स्किप करके इसको खाएँगे ना, बहुत ही ज़्यादा आपका पेट भी भर जाएगा और आपको सारी चीज़ें भी एक बाउल में मिल जाएंगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हमारी पर्पल कैबेज और मुझे तो बस इसके कलर से ही पता है, बाकी अगर आपको इसका कोई नाम वगैरह पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद मैंने यहाँ धनिया पत्ता भी शामिल कर दिया है जो कि ना बहुत मेन इंग्रीडियंट होता है सैलड का, क्योंकि इसके बिना मज़ा ही नहीं आती है। मैं इसमें बॉइल कॉर्न डालने जा रही हूँ और मेरे पास थोड़े से बॉइल कॉर्न पड़े थे तो मैंने सोचा इनको भी इसमें शामिल कर देते हैं। मैंने यहाँ पे बॉइल कॉर्न भी डाल दिया। अब बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट्स की बात आती है तो फटाफट से वो इंग्रेडिएंट मैं रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी ना काफ़ी अच्छी सी सॉस बनाई थी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे दही लिया था, तकरीबन 1.5 कप दही लिया था। और फिर उसके बाद मैंने इसमें ना जो इंग्रेडिएंट डालने थे मुझे उसे मिक्सर में ग्राइंड करना था, लेकिन एंड मौके पे लाइट चली गई तो मुझे ऐसे कूट के डालना पड़ा। तो मैंने इसमें थोड़े रेड चिली पाउडर, आप रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, रेड चिली खड़ी लाल मिर्च को ही मैंने कूट के डाला था और साथ में मैंने काला नमक डाला था, गोल मिर्च पाउडर डाला था और आप हनी भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से मिक्स करके सॉल्ट डाल करके अच्छे से सैलड में मिक्स करके मैं यहाँ से खान पर ले आई थी। अम्मी को तो खैर पसंद नहीं आया, उनकी तबीयत भी दुरुस्त नहीं है तो फिर वो दही का ना बना हुआ नहीं खा सकते, तो इसलिए उन्होंने नहीं खाया था। बाकी पूरे बाउल मैंने फिनिश कर दिया था, अभी खाना खाने का टाइम हो रहा था, यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं। और आज मैंने बनाई थी आलू बैंगन की सब्ज़ी, और जो कि मेरे हाथ की तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, अम्मी के हाथ की तो और ज़्यादा ज़बरदस्त होती है, लेकिन मैंने बनाई थी तो मैं यहाँ पे सब्जी इंजॉय कर रही हूँ और बाकी सब भी हमारे साथ लंच इंजॉय करने के साथ। आज का ब्लॉग हो जाता है एंड, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं हाफ शूट करूँगी जहाँ हम शादी फंक्शन में गए थे, तो उसका ब्लॉग आएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अपना खूब ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।